नमस्कारम। आज बनने वाला है टमाटर का अचार। तो देसी स्टाइल में चूल्हे में बनेगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। मेथी पाउडर, मीठी नीम को सुखाना है। अच्छा, मीठी नीम को सुखा के पहले रख लिया। पानी हाँ रख लिया हल्का, मतलब ऐसा नहीं सुखाना है। कैसा? कम सुखाना, मतलब तुरंत तोड़े, पानी नमी नहीं रहे। और क्या कहते, जीरा पीस के पाउडर भून के, हाँ भून के जीरा, 100 ग्राम जीरा। अच्छा, 100 ग्राम जीरा, 5 किलो टमाटर में, हाँ 100 ग्राम जीरा, और 50 ग्राम करीब अदरक, हाँ, मतलब कटा हुआ, हाँ, और अदरक लहसुन भी कटा हुआ। अच्छा, तो मैं पीस डाली हूँ। हाँ, दिखाइएगा। हाँ, पेस्ट भी बनाया अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक और ये मिर्ची, मिर्ची हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार। अच्छा, जैसा तीखा खाते हैं, तीखा खाना जी जी। और लाल मिर्च पाउडर, हाँ क्या, लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा पाउडर, वो क्या कहते हैं, और ये राई को भून के एक बार बस इसको दरदरा करना है। दरदरा राई, हाँ, एक बार चर्न करना है बस। 100 ग्राम और 10 ग्राम करीब मेथी पाउडर, और 10 ग्राम जो है अपना ये मेथी पाउडर रखा है, 10 ग्राम ये यूज करेंगे। और स्वाद के अनुसार सौंफ, स्वाद अनुसार सौंफ। और ये हमारा यहाँ पे 3 पाव मस्टर्ड, 900 ग्राम तेल, 900 ग्राम तेल लगेगा। 5 किलो टमाटर की चटनी अचार में। तो चलिए, और यहाँ पे मखाना कितना है? 1 किलो, 1 किलो तेल, 1 किलो पूरा तेल लगेगा। अच्छा, और ये मखाना कितना लगेगा? मखाना वही अपने इच्छा से 150 ग्राम, 150 ग्राम। अच्छा अच्छा, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन का 1 पाव में अदरक लहसुन, 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन, उन दोनों का पेस्ट है। बना के रख लो, सिरका डाल के, सिरका कितना डालना है? वही सिरका 50 ग्राम करीब सिरका डाल के पीस लो। 50 ग्राम सिरका डाल के पीसना है, पेस्ट बनाना 50 ml। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में, हाँ हाँ, लास्ट में उतारते समय सिरका डाल, मतलब थोड़ा सा जब पान तेल ऊपर आने लगे, हाँ, फिर तब डालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। नमक, सबसे पहले करी पत्ता, करी पत्ता डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। अदरक और जो मिर्ची है इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे अदरक थोड़ा सा बारीक काट के रखे हैं, बाकी अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। अच्छा अच्छा, आज को मीडियम ही रखिएगा। हाँ, मीडियम है ना, मीडियम अभी मीडियम, आज में ज्यादा तेज नहीं ना, जलने ना पाए। अच्छा अच्छा, अब ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालेंगे। 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन, 1 पाव नहीं, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम अदरक और 200 ग्राम, 200 ग्राम लहसुन, मतलब जितना अदरक लेंगे उससे जस्ट डबल लहसुन लेना। कच्चा वाला, कटा वाला भी जल्दी है उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, हल्का ब्राउन होगा, हाँ, जब हल्का रेडनेस आएगा, हाँ, उसके बाद हम दूसरी चीज डालेंगे, हाँ, दूसरा जो अपना आइटम है जो भी। और इसको थोड़ा 5 मिनट तक भूनना है, उसके बाद क्या डालेंगे हम? ये जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, राई पाउडर। अच्छा, राई, हाँ, जीरा, जीरा कितना लिए हम? 100 ग्राम। ठीक है, 5 किलो टमाटर के अचार में 100 ग्राम जीरा, भुने जीरे को पीस के। ठीक है, अब हम इसमें जीरा पाउडर डाल दिए, राई पाउडर, और ये राई पाउडर, इसमें राई को हल्का सा भून के, मतलब भूनने के बाद उसे सिर्फ एक बार ग्राइंड किए। दो चम्मच के अकॉर्डिंग मेथी पाउडर, एक चम्मच सौंफ। कितना देर तक भूनेंगे हम? 5-10 मिनट। लाल अच्छा होता था, अच्छा लाल भूंजी जाता, अलग ही महक आती है।
हाँ अभी टमाटर छोंकना पड़ेगा ना। हाँ डालिए मिर्ची। अच्छा 10 ग्राम मिर्ची पाउडर। अधिक खाना अपने इच्छा से। अच्छा इच्छा के अनुसार, जैसे आप तीखा खाना चाहते हैं ज्यादा डाल सकते हैं। अब ये मसाला जो अच्छी तरह से भून गया है, ब्राउन हो गया है बढ़िया सुंदर सा। अब हम 5 किलो जो टमाटर है उसको डाल के छौंक देंगे। कपड़ा दे टमाटर है वो गल रहा है अच्छी तरह से। देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा कलर दिख रहा है ना। और अच्छा कलर आएगा। अच्छा और अच्छा कलर आएगा। कलर वाली मिर्ची ऐसे डालते कब है अम्मा? अभी थोड़ी देर में डालेंगे। और कितना चम्मच? इसके लिए 2 चम्मच कलर। 2 चम्मच कलर मिर्च। अगर इसमें अच्छा कलर लाने के लिए 2 चम्मच कलर मिर्ची आप डालेंगे ना तो भी बहुत बेस्ट रहेगा। इसे अच्छी तरह से पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये तेल न छोड़ दे। तेल है ना मुझे, तब तक इसको गलने देना टमाटर को। अच्छा तेल ऊपर आने लगे। हाँ हाँ तो, मतलब तब सही पक जाएगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी टमाटर। अच्छा अच्छा गला टमाटर है था ना। नमक लाया 5 किलो टमाटर में 100 ग्राम नमक, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कोई जो पसंद करते हैं। कम ना हो, अचार है ना तेज, थोड़ा तेज रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना। ठीक है डाल। हाँ डालिए, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा अचार में नमक रहना चाहिए क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं ना तो उस हिसाब से। टमाटर नमक पड़ने के बाद इसको ढकना नहीं है अम्मा? नहीं ढकना। अच्छा ये खुले आंच में ही पूरा बनाना है ना। मैं ढक इसलिए देती हूँ बाहर से, पेड़ लगे थे। अच्छा अच्छा वहाँ बैंकर नगर में। अम्मा इसमें चूल्हे में बनाने में क्या स्वाद आता है? इसमें अच्छा रहता है चूल्हे, आग गैस उसकी बचत होती है, गैस की बचत होती है और स्वाद कैसा रहता है? अच्छा रहता है चूल्हे के हिसाब से। अच्छा तवा रहता है ना उसमें? हाँ 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 महक अच्छी आती है ना। पकता अच्छा है ना, बराबर आँच लगती है। अच्छा बराबर आँच लगती है। कितना देर तक चूरेगा अम्मा? 4 घंटे 3 घंटे 3-4 घंटे मान के चले, जब पूरा तेल छोड़ दे तब। अब इसके ऊपर भी तेल डालेंगे ना चुरा के। गला कहाँ है? मतलब इतना चूरना चाहिए कि पूरा ये सोख लेता है। विनेगर डालेंगे 100 ml। 50 ml से मतलब अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है तो उसमें डाल के पीसना है। वो पहले डालना था और ये बाद में डालें। 100 ml ना, जब मतलब कुछ मतलब पकने की कगार में, कुछ कम पका मतलब अध पका होगा। अच्छा ठीक है। सिरका किस लिए डालते हैं अम्मा? सिरका टिकेगा तब ना अचार। अच्छा अचार अचार में भी डाले जाते हैं ये सब, नींबू का आम में। मतलब प्रिजर्वेटिव है कि ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए सिरका से ही बनती है, खराब ना हो चटनी तो मतलब रख सकते हैं इसको, फ्रीज में रखो नहीं रखो। कितने टाइम तक चलेगी ये चटनी? ये 3-4 महीने, सालों चलती है। सालों चलती है अगर बचे तो, है ना। 3-4 महीने खा डाली है। अच्छा पराठा रोटी इसके भी साथ खाना, समोसा वोसा। अच्छी कलर बहुत अच्छा आ रहा है पकने के बाद और सुंदर है। मालूम वो मिर्ची डाल दी नहीं तो, गल डाली होगी ना तो मस्त।
और लाल लाल होते बिल्कुल कलर वाली मिर्च, टमाटर का ही कलर आता पूरा। अच्छा, टमाटर। अब हम इसमें मखाना डालेंगे। कलर देखिए इसका, इतना सुंदर लग रहा है। अम्मा अच्छा, ये कढ़ाई अगर काली पड़ रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें निरमा की पोती लगा लो। अच्छा, मतलब निरमा लगा लो, निरमा नमक की लगा लो। अच्छा, निरमा या फिर नमक या राख की पहले पोती, मतलब ऐसे परत लगा लो, पानी में लगा लो, पानी में तो उससे जलता नहीं बर्तन। अच्छा, जलता नहीं, जल्दी साफ हो जाएगा। अगर बर्तन काला हो जाए उसके पहले धोने में आसान रहेगा परत लगाने का, है ना। और तेल बाद में डालते हैं, आधा किलो तेल बाद में डालेंगे चुरा के। काफी तेल डालने तो उससे क्या होता है, उतना नहीं ना तेल, तेल की मात्रा में नहीं आता। अच्छा, तेल की मात्रा ज्यादा टाइम तक रहती है इस वजह से। अच्छा, पहले डाल दो, पहले भी डाल सकते हैं बाद में, पर लेकिन बाद में डालो आधा तेल तो ज्यादा अच्छा रहता है चुरा के, है ना, गैस में। ये देखिए इतनी पक गई है, मैं इसका कलर दिखाती हूँ। ये तो बंद हो गया है गैस नीचे से। ठीक है, देखता हूँ। पानी देखिए।